न्यू ग्रीन गोल्ड गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि माली लोग किस प्रकार से पौधे तैयार करते हैं, जो सीक्रेट चीज़ आपको नहीं बताते हैं। फ्रेंड देखिए, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसमें 40% मिट्टी, 20% गोबर की खाद और 10% वर्मी कंपोस्ट खाद और 2% नीम की खली मिला करके और इसको पहले रख दिया जाता है। एक महीना तक ये अच्छे खासे सड़ कर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पोलोथीन या बैग में लगाया जाता है ताकि इसके भरण पोषण अच्छी तरीके से हो सके और पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो सके। अगर आप डहेलिया का पौधा लगाते हैं फ्रेंड, तो इसी प्रकार से पहले मिट्टी तैयार कर लें और जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाए थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाते जाएं, तो इससे आपके पौधे छोटे में ही अच्छे खासे फ्लावर ले लेंगे और पौधा अनलीगल ढंग से नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल सॉलिड अपने पैर पे खड़े रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम हाइब्रिड गेंदा लगा रहे हैं, छोटा पौधा जो कैरेट में आता है, इसी प्रकार से हम लोग पौधा तैयार करते हैं। और आप भी चाहे तो छोटे पौधे ला करके लगा लेंगे तो सस्ते पड़ेंगे फ्रेंड, नहीं तो बड़े पौधे लेने जाइए तो महंगा पड़ता है। और ये देखिए आस्टर है फ्रेंड, आस्टर के फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं, आप एक बार लगा करके इसको ज़रूर देखें। और ये देखिए फ्रेंड, डैंथस है जो बहुत ही अच्छे फ्लावर, कई कलर के होते हैं, इसमें छोटे छोटे गुच्छे में फूल आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, पिटूनिया है जो बहुत ही अच्छे ग्रोथ किए हैं फ्रेंड। आप भी इसी तरीके से छोटे पौधे मार्केट से लेकर के आप लगा सकते हैं। छोटे पौधे लेंगे तो आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे फ्रेंड। और इसी तरीके से खाद बना करके आप डालें। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मैरी गोल्ड है जो बहुत ही अच्छे ग्रोथ किए हैं। और ये देखिए फ्रेंड, हमारे 10 डेज के हो चुके हैं। और ये डहेलिया प्लांट है फ्रेंड, इसी तरीके से छोटे पौधे हम लोग पोलिथीन में तैयार करते हैं और 1.5 से 2 महीने के अंदर में फ्लावरिंग इसमें आ जाते हैं फ्रेंड। इसी तरीके से आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, कैलेंडुला है जो भी हमारे 10 डेज के हो चुके हैं और किस तरीके से ग्रोथ किए हैं आप खुद देख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, गुलदाउदी है हमारे 1 मंथ के, इसमें देखिए फ्रेंड कली भी आने शुरू हो गए हैं। अरे देखिए फ्रेंड, जाफरी मेरी गोल्ड है, इसका फ्लावरिंग भी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड। ये देखिए हमारे 20 डेज के हो चुके हैं फ्रेंड और किस तरीके से हमारे फ्लावरिंग आना शुरू हो गए हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर पे आप लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, आफ्टर 1 मंथ हाइब्रिड मेरी गोल्ड, 1 महीने का पौधा हमारा हो चुका है और किस तरीके से फ्लावरिंग हो गए हैं फ्रेंड। मेन चीज़ खाद का होता है फ्रेंड, अगर अच्छी तरीके से खाद बना करके आप अगर डालते हैं तो पौधे की ग्रोथ नंबर 1 पे जाएगी फ्रेंड, आपका पौधा जल्दी तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारे गुलदाउदी आफ्टर 60 डेज का हो चुका है, किस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड के हमारे फ्लावरिंग हो गए हैं। देखिए कई कलर के हैं फ्रेंड। इसी तरीके से आप भी इसको जुलाई के महीने में अगर कटिंग करके अगर लगा देते हैं फ्रेंड, तो पौधे आपके अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ग्राफ्टिंग रोज, एक इंग्लिश गुलाब है फ्रेंड जो हम लोगों ने इसको तैयार किया है। ग्राफ्टिंग करने के
दो ढाई महीने बाद अच्छे खासे फ्लावरिंग हो जाते हैं फ्रेंड। अगर चाहे तो आप भी इसके ग्राफ्टिंग अपने घर पे कर सकते हैं। इससे पहले हमने ग्राफ्टिंग की भी वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। कई कलर के हैं, पिंक भी है, रेड भी है और क्रीम कलर का भी है फ्रेंड। इस तरीके से आप भी अपने घर पे रोज़ तैयार कर सकते हैं। हम आपको भिन्न भिन्न तरह के फूल फ्लावरिंग का पौधा आपको दिखाएंगे फ्रेंड, किस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, पंसुटिया का प्लांट है जो बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड। आप अपने घर पे गमले में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा किस तरीके से पौधा फ्लावरिंग किया है। इसी तरीके से आप भी गमले में इसको लगा सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, रसभरी का पौधा जो हमने मार्केट से ख़रीद कर लाया था खाने के लिए, उसी के बीज से हमने तैयार किया है फ्रेंड। इस वक्त हमारे फल भी पकड़ लिए हैं। अगले अपडेट में फ्रेंड हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पका हुआ फल भी आपको हम दिखाएंगे। आप चाहे तो आप अपने घर पे इसको आसानी ढंग से अपने गमले में इसको लगा सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, कोरिएंडर सीड्स, ये धनिया का बीज हमने तैयार किया था फ्रेंड। इसको पानी में पहले बीज को भिगो लेना है, पहले बात तो इसके दो पीस कर लेना है धनिया को, उसके बाद में चार घंटे के लिए इसके पानी में भिगो करके फिर इसको हम डाल करके तैयार करेंगे फ्रेंड। ये देखिए हमारे 15 डेज के हो चुके हैं फ्रेंड, किस प्रकार से हमारे धनिया जो है तैयार हुए हैं। आप अपने घर आंगन में आप लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही सुंदर और अच्छे भी लगते हैं, और अपने घर की धनिया हो तो बात ही अलग है। ये मैरीगोल्ड जाफरी आफ्टर वन मंथ फ्रेंड, ये देखिए हमारे एक महीने का हो चुका है जाफरी, किस तरीके से फ्लावरिंग हुआ है आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा साल्विया प्लांट है जो हमारे एक मंथ के हो चुके हैं, वन मंथ के, और किस तरीके से फ्लावरिंग किए हैं फ्रेंड। ये देखिए हमारा पिटूनिया है फ्रेंड, एक महीने का हो चुका है, वन मंथ का। और आप इसी तरीके से आप लगा सकते हैं फ्रेंड, ये सदाबहार है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया है फ्रेंड। इसमें मिट्टी फ्रेंड हमने 40% लिया है, 20% इसमें गोबर की खाद लिया है, 10% वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है फ्रेंड, और इसमें 20% इसमें हमने मोरंग मिलाया है फ्रेंड। और इस तरीके से हमने इसको लगाया था, और ये 4 मंथ के हो चुके हैं फ्रेंड। ये ड्रैगन का पौधा जो देख रहे हैं फ्रेंड, जिस वक़्त हमने अमेजोन से मंगवाया था उस वक़्त ये लगभग 1 फुट के थे, और 4 मंथ में आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ किए हैं फ्रेंड। और ये जो देख रहे हैं आप, हमने मार्केट से स्टैंड बनवाया है जो 500 रुपये लगे हैं फ्रेंड स्टैंड बनवाने में। आप इसी तरीके से आप भी मार्केट से स्टैंड बनवा करके आप लगा सकते हैं गमले में। एक गमला फ्रेंड हमारा 20 इंच का है, प्लास्टिक का गमला जो हमने मार्केट से लाया है। और देखिए फ्रेंड, किस तरीके से हमारे पौधे ग्रोथ कर चुके हैं। ये लगभग हमारे 5 फुट से ऊपर के पौधे हो चुके हैं फ्रेंड। और ये किस तरीके से फ्रेंड, ये देखिए इसमें बहुत से शाखे भी निकल आए हैं, ब्रांचेस जो हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड। और इसी तरीके से आप भी लगाइए, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट वैसे भी फ्रेंड बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, और अपने घर पे लगी हो तो उसकी बात ही अलग रहती है, देखने में भी सुंदर लगता है। और इस तरीके से फ्रेंड देखिए, हमने इसमें खाद मिट्टी जो छेद किया था, वो बचे थे उस खाद मिट्टी हम फिर इसमें मिला देंगे।
और बीच बीच में फ्रेंड महीना दिन पे अगर इसमें खाद वगैरह आप अगर डाल देते हैं सुपर फास्फेट डाई और वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाकर अगर डाल देते हैं तो और इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और साल से डेढ़ साल के अंदर आपको फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड आप भी लगाएं और पानी इसमें फ्रेंड हल्का डालें, ज़्यादा न डालें। एक बार डालने के बाद में जब तक मिट्टी सूख न जाए तब तक फ्रेंड इसमें पानी न डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हल्का पानी इसमें फ्रेंड दे। देखिए फ्रेंड हमारा किस तरीके से नए ब्रांचेस भी आ गए हैं। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।